एडीजी जोन अखिल कुमार की अध्यक्षता में पुलिस कर्मियों को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जनपद के अनफिट पुलिस कर्मियों की बैठक एडीजी जोन अखिल कुमार की अध्यक्षता में पुलिस लाइन स्थित सभागार में किया गया। बैठक में जनपद के ऐसे पुलिस कर्मियों को बुलाया गया जिनका वजन काफी हद तक बढ़ा हुआ है और उन्हें दौड़ने में दिक्कतें हो रही है। बैठक में एडीजी जोन अखिल कुमार ने निर्देश दिया कि नियमित व्यायाम एवं खान पान से अपने शरीर को फिट रखें जिससे कहीं भी कोई दिक्कत न आनी पड़े। बैठक के बाद एडीजी जोन अखिल कुमार ने पुलिस लाइन से कूड़ाघाट तक पैदल गश्त किया जिसमें अनफिट सिपाही भी शामिल रहे। इस संबंध में एडीजी जोन ने बताया कि सिपाहियों को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए निर्देशित किया गया है कि वे अपने शरीर का ध्यान रखें और नियमित व्यायाम और शुद्ध भोजन कर अपने को संतुलित बनाए रखें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा और इस कारण कई लोगों की जाने भी चली जाती है, ये चीज आपको मालूम है। हमें ये जानना है कि हमारे फोर्स में जिन लोगों का भी वजन बढ़ाया है आपको क्या है, ड्यूटी आपकी कारण है, हो सकता है इरेगुलर ड्यूटी आवर्स हो, कभी बुलाते हैं कभी नहीं जाते हैं कभी आ जाते हैं, या आपका खाना उस कारण है कि आपका खाना पीना हो रहा है, परिवार के साथ आप रह नहीं पा रहे हैं, कई कारण हो सकते हैं, एक्सरसाइज ना के बराबर है। जो मसाले सब्जी खाते थे पहले से हम लोग सब्जी खाते थे, नेनुआ नहीं खाते थे, करेला नहीं खाते थे, भिंडी नहीं खाते थे, हमने आलू सब्जी क्या करके हम हरा सब्जी खाना शुरू कर दिए पहले से और एसिडिक मतलब अम्ली और छारी, वो हर खाना जो हम पका करके खाते हैं वो अम्ली है और वो हर जो तो प्राकृतिक से मिलता है वो छारी है, समझ पा रहे हैं आप लोग। और जब कार्बोहाइड्रेट कम करेंगे यानी एक स्वस्थ इंसान को दिन भर में 1700 से 1800 कैलोरी भोजन करना चाहिए। और मैं बिल्कुल यकीन कर सकता हूँ जब आपको कैलोरी की जानकारी हो जाएगी कि किस खान में कितनी कैलोरी, जैसे आप एक कप चाय पीते हैं सुबह कितने बजे से कितने बजे, नौ से नौ ड्यूटी लगाते हैं, कहाँ कहाँ ड्यूटी लगाते हैं? पांच तो लगती है, ठीक है ड्यूटी पांच तो नहीं है, ठीक है बैंक रहती क्या रहती है? अकेले क्या लगाते हैं बैंक, अकेले क्या कर लोगे बैंक, बैंक में ड्यूटी लगाई अकेले क्या करने के लिए? जल्दी सुबह खाना खाना होता है पूरे दिन के लिए, आदमी एक बार में चाहता खा लेते हैं, दिन में एक ही बार खाते हैं फिर रात में खाते हैं? जी सर, दो बार खा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ पाँच छः घबराना नहीं है, जिसके आलू में ड्यूटी आप खाएंगे, ठीक है। हाँ एक तो आपने कहा कि आलू, अच्छा इतनी ताकत है? जी सर, क्या बात है, क्या नाम है आपने बताया? गोपाल सिंह सर। गोपाल सिंह, अच्छा बढ़िया, तो वजन क्यों कर रहा है गोपाल? 12-13 के बाद काम करता है हम लोग, होटल का खाना खाने के बाद मैं भी ठीक मछली नहीं खाता हूँ, होटल का खाना खाने के बाद थोड़ा हो रहा, लेकिन उसके लिए हमारी दक्षता में कमी नहीं है, पेट भरने के। आपका क्या नाम है? क्या नाम से कहाँ पर भी ड्यूटी होती है, नियमित नहीं कर पाते हैं सर खाना पीना, ठीक है। नियमित ड्यूटी जिनकी नहीं है, जिसमें
ऐसे उदाहरण स्वरूप मैंने किसी से बात की तो कहा सब रात को दिला देते अब तक शाम को ये पेट्रोलिंग ड्यूटी पर निकले थे। शाम का जैसे गश्त शुरू होता तो 5 से 8 या 6 से 9 जैसा भी होता ये 2 टाइम गश्त करेंगे और सिर्फ इनकी गश्त ड्यूटी रहेगी। इनको टारगेट दे दिया जाएगा कि आप यहाँ से यहाँ उतर रहे और यहाँ से यहाँ चलेंगे जो भी आप लोग में रहेगा सब लोग बैक बाई वॉक वेट ओवर लोड होने का इतने लोगों को बीपी की बीमारी है आज मैं जो बीपी जी का हाई रहता ठीक है और कितने लोग डायबिटिक है ठीक है वही रहेगी दिन में ड्यूटी गश्त तो रोज ही कर रहे हैं हम लोग। आज हम अपने वो पुलिसकर्मी जो थोड़े वजन जिनका बढ़ गया है अनियमित ड्यूटी देने के कारण उनके साथ गश्त कर रहे हैं। उनसे थोड़ा बातचीत किया गया, जानकारी की गई, उनकी समस्याओं को समझा गया तो उसके आधार पे कुछ निर्णय लिया हमने। एक तो ये प्रतिदिन गश्त करेंगे जिससे इनका एक्सरसाइज हो जाएगा, दूसरा इनकी ड्यूटी नियमित कर दी गई है। अब ये सुबह 4 घंटे और शाम को 4 घंटे सिर्फ ये ड्यूटी करेंगे, बाकी टाइम लाइट ड्यूटी रहेगी या नहीं रहेगी, और जिससे ये नियमित सो सकेंगे, नियमित खाना खा सकेंगे। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि जो ये हमारा ओवर एज और ओवर वेट कॉम है इसमें कमी आए। ये स्वस्थ रहेंगे तो इनकी उम्र अच्छी रहेगी, हेल्थ कॉस्ट कमेगा, विभाग में एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये प्रयास है, देखिए कैसा आगे चलता है।